व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सभी का स्वागत है गाइस एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गाइस एक चैलेंज, जो कि गाइस यहां पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया है कि दम है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करके दिखाओ। आपको तो पता है इंडियन कार तो है गाइस, लेकिन पाकिस्तानी कार मेरे पास नहीं है। तो फटाफट हम लोग कॉल करके गाइस यहां पे बुला लेते हैं अपने दोस्त को, और उसके पास गाइस पाकिस्तानी कार है, तो मैं उसको कॉल कर देता हूं। और फटाफट वो रैंप पे लेके पहुंच रहा है गाइस वो सारी कार्स को, तो हम लोग गाइस अपनी थार को लेके निकल जाते हैं फटाफट। और मैं और चॉम्प भी जा रहे हैं गाइस, चॉम्प को रास्ते में कुछ खाने पीने का ले देंगे और भाई चॉम्प को फिर छोड़ आएंगे घर वापस, ठीक है। तो फटाफट हम लोग गाइस यहां पे अपनी थार को निकालते हैं और गाइस थार में चॉम्प को भी ले लेते हैं और फटाफट हम लोग निकल जाते हैं गाइस, और जितनी जल्दी हो सकता है गाइस, क्योंकि वहां पे हम लोग को पहुंचना है और हम लोग फाइनली यहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करने वाले हैं, यानी कि इंडियन कार वर्सेस पाकिस्तानी कार। तो गाइस हमारे एक साइड जो आप लोग देख रहे हो गाइस, इस साइड पाकिस्तानी कार है और उस साइड इंडियन कार है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, इस साइड हम लोगों को पाकिस्तानी कार गाइस, इन लोगों के मेरे को नाम नहीं पता, आई एम सो सॉरी, बट यहां पे आप लोग देख सकते हो गाइस काफी ठीक ठाक से कार्स यहां पे भी बनने लगी हैं यार। और देखो गाइस जो भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इंडिया में जो भी बिलोंग करते हो गाइस वीडियो को जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना। तो ये रही हमारी तीन गाइस, तीन इंडियन कार और तीन पाकिस्तानी कार, और गाइस बीच वाला मेरी थार है, तो भैया थार को किनारे कर देना, ठीक है। तो चलो गाइस यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रैंप। सबसे पहले तो मैं आप लोग को रैंप दिखा देता हूँ कि कितनी दूरी तक इसको जंप करना है, और गाइस यहाँ पे जंप लगाने के बाद हम लोगों को कहाँ तक पहुँचना है, ताकि कोई भी कार कौन जीतेगा कौन हारेगा वो चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो पाए। तो गाइस यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हो कितना लंबा रैंप है यार, और भाई उस साइड तक पहुँचना है, नदी के उस साइड तक, ठीक है। तो भैया ये काफ़ी बड़ा रिवर आप लोग भी देख सकते हो, और काफ़ी लंबा रैंप, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां गाइस एकदम धज्जियां उड़ जाती हैं भाई। और गाइस मैं आपको सच्ची बताता हूं, इन छह कार्स में से कौन सी कार सबसे ज्यादा दूर जाने वाली है ना, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बता सकते हो। पिछली बार जब हम लोगों ने यहां पे इंडियन कार वर्सेस सुपर कार किया था, तो भाई थार ने हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और भाई थार जीता था, ठीक है। तो हम लोग गाइस यहां पे इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी कार करने वाले हैं, क्योंकि यार पाकिस्तानी कार्स फर्स्ट टाइम आई है गाइस हमारे वीडियोज में, तो इनको पहला मौका हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मौका हम लोग देंगे इन्हीं को, और गाइस यहां पे पहली कार मैं लेके निकलने वाला हूं, तो फटाफट मैं इसको कार में बैठता हूं गाइस और निकल जाते हैं कार लेके। और भाई काफी हद तक मैं बोलूं यार, बहुत ही अच्छी स्पीड पकड़ लिया है गाइस इस गाड़ी ने, गाइस 150 से प्लस जा चुकी है, 200 पी हो गया है भाई साहब, बहुत बढ़िया। और गाइस मैं सच्ची बता रहा हूं यार, मेरे को लग रहा है गाइस कि आज तो भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भाई बहुत ज्यादा तगड़ा मैच हो सकता है इसमें। तो गाइस हम लोग देखते हैं गाइस अभी, क्यों भाई साहब क्या ही जंप लगाई है भाई, यहां तक मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस 2-3 बोर्ड तो क्रॉस कर ही लेगी गाइस ये पाकिस्तानी कार, क्योंकि यार काफी दूर तक जाने वाली है भाई। ओ भाई देखो कितना दूर गया, ओ भाई साहब लो लोगे गाइस। तो यहां पे हम लोग फटाफट वापस चलते हैं रैंप पे, क्योंकि यार इसने तो काफी ज़्यादा बुरा कंडीशन में यहाँ पे दिया है यार, और अच्छा रिस्पांस तो नहीं बोलूँगा, फिर भी ठीक है गाइस। अभी हम लोग आगे चलेंगे, और गाइस यहाँ पे हम लोग लेंगे इंडियन कार को, जो कि है गाइस महिंद्रा की स्कॉर्पियो। अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं गाइस, और फटाफट हम लोग इसको लेके निकलते हैं गाइस रैंप की तरफ। आप लोग किस कंट्री से बिलोंग करते हो गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, इंडिया या फिर पाकिस्तान या फिर कोई भी अदर कंट्री से बिलोंग करते हो, तो उसका भी वर्सेस चाहते हो गाइस, तो मैं आप लोगों के लिए उसका भी करूंगा। जिस भी कंट्री का वर्सेस चाहते हो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और भाई महिंद्रा के स्कॉर्पियो काफी ज्यादा दमदार गाड़ी है गाइस, और यहां पे लेके निकल चुका हूं भाई, 300 से प्लस जाने वाली है भाई साहब, देख सकते हो 300 से भी ज्यादा जा चुकी है गाइस। ओपी वाला गाइस यहां पे शॉट देखने को मिला हम लोगों को, और बहुत ही ज्यादा तेजी से गाइस जा रही है आगे। ओके तो गाइस कितनी दूरी तक जा सकती है, ओपी ओपी बहुत बढ़िया गाइस। तो यहाँ पे देखो गाइस बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाई है, क्योंकि गाइस यहाँ पे महिंद्रा के स्कॉर्पियो ने भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। अभी हम लोग आगे चलते हैं गाइस, और पाकिस्तानी कार को लेके आते हैं, जो कि एक तरफ से देखोगे तो भाई टैक्सी का जैसा लग रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, वहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ चलती है, तो यार अच्छी बात है। चलो अभी हम लोग इसकी भी मैक्सिमम स्पीड देख लेते हैं भाई लोग, कितनी ज़्यादा स्पीड होने वाली है इसकी भी। ओके तो गाइस यहाँ
पे 100+ जा चुका है गाइज। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी गाइज और भी ज्यादा धमाकेदार और मस्त बनाने वाला हूँ, क्योंकि उसमें गाइज हम लोग अमेरिकन कार वर्सेस इंडियन कार करने वाले हैं। तो उस वीडियो को कौन कौन देखना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भाई लोग यहाँ पे हम लोग चलने वाले हैं गाइज, 300+ हो चुकी है भाई, बहुत बढ़िया यार। मतलब इस गाड़ी में भी काफी ज्यादा दम है गाइज, क्योंकि यार यहाँ पे 300+ जा चुकी है गाइज ये वाली गाड़ी भी। लेकिन गाइज मेरे को नहीं लगता ये उस पार जा पाएगी, तो भाई यहाँ पे उस पार तक ये भी नहीं जा पाएगी गाइज। लेकिन यार फिर भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है इस गाड़ी ने। अभी हम लोग आगे चलते हैं वापस से रैंप की तरफ। और गाइज रैंप में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है टाटा का पंच। तो भैया टाटा भाई आप लोगों को भी पता है गाइज यहाँ पे। तो गाइज हम लोग उठाने वाले हैं टाटा की गाड़ी को और लेके जाने वाले हैं टाटा पंच को रैंप की तरफ। और गाइज देखेंगे इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, क्योंकि भाई ये है गाइज हमारे इंडिया की शान भाई, बहुत बढ़िया है यार। और मतलब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ गाइज, टाटा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। एंड इन सारी गाड़ियों में से आपका फेवरेट कौन है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो गाइज, हम लोग भी देखेंगे यार। अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो भाई मेरे को स्कॉर्पियो से ज़्यादा थार पसंद है। तो आप में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद करते हो कमेंट सेक्शन में बताना गाइज। यहाँ पे 300 से ज़्यादा हो चुका है गाइज, इसकी मैक्सिमम स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते कि ये कितनी दूर तक जाती है गाड़ी। तो भाई मेरे को तो नहीं लगता यार ये बहुत ज़्यादा दूरी जा पाएगा, क्योंकि यार ये भी गाइज डूब चुका है गाइज। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी हमारे पास दो गाड़ियाँ बची हुई हैं, जो कि गाइज एक है पाकिस्तान की तरफ से और दूसरा है गाइज इंडिया की तरफ से। तो इंडिया की तरफ से गाइज हम लोगों के पास अभी भी महिंद्रा की थार बची हुई है, जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं। तो अभी है टाइम गाइज यहां पे पाकिस्तानी की स्पोर्ट कार लेके जाने वाला हूं मैं। तो पाकिस्तान की गाइज यहां पे काफी बढ़िया सी मस्टल, और भाई यहां पे हम लोग इसको लेके निकल जाते हैं। और काफी मस्कुलर बॉडी है गाइज, और स्पोर्ट कार में भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा नाम किया इसने। और अगर इसको लेके जाने वाला हूं गाइज, बहुत ही तेजी से स्पीड पकड़ लिया गाइज इसने। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, अरे भाई 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 लोल हो गया गाइज, ये देख सकते हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा भाई ये क्या हो गया भाई, लोल भाई मतलब कि हग दिया, क्या ही बोलूं यार। मतलब मेरे को तो लग रहा था भाई यहाँ पे कि हो सकता है गाइज पाकिस्तान कुछ अच्छा कर ले, लेकिन यार ये तो डूब गया। चलो गाइज जाने देते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइज और बात कर लेते हैं अपनी लास्ट एंड लास्ट महिंद्रा थार की, जो कि इंडिया से है। और भाई हम लोग इसको भी लेके निकलने वाले हैं, फटाफट हम लोग इसके अंदर बैठ जाते हैं गाइज और लेके निकलता हूँ मैं अपनी थार, जो कि बहुत ही ज़्यादा दमदार और गाइज इंडिया की शान है। तो भाई आप लोगों को भी यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है, जस्ट लास्ट में आप लोग को पता चलेगा। और पिछली वीडियो में आप लोग को पता है गाइज कि थार हमारा विनर था, क्योंकि उस पार तक चला गया था गाइज थार। लेकिन यार इस बार क्या होता है गाइज इस वीडियो में ही पता चल जाएगा। और अभी तक जो भी वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हमेशा लेके आता रहता है आपका भाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा दूर तक गया है, और गाइज फाइनली हमारे थार जीत चुका है, क्योंकि थार ने यहाँ पे दो बोट को क्रॉस किया है भाई, और यहाँ पे इंडिया विन करता है। तो लव यू एवरीबॉडी। और भाई उस बंदे को मैं कमेंट का रिप्लाई यहीं पे दे दिया हूँ पूरी वीडियो के थ्रू। तो भैया मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।